गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं दिखाने जा रहा हूँ हैंड पर्सपेक्टिव। जैसे देखो, रियल मतलब जो हार्ट होता है उसी का मैंने फोटो मतलब स्टेट की तरह करेंगे, फोटो स्टेट जैसा। जैसे उसको रख के मैं उसी का लाइंस खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद कैसे बनाएंगे वो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपसे। जैसे देखो, अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। देखो ये हार्ट है, मैंने इसी का स्केच करेंगे, मतलब जैसे रख के आसानी तरीका जैसे आपको दिखा रहा हूँ मैं, कैसे आसान होता है आपको ये दिखा रहा हूँ मैं। पहले यहाँ से लाइन खींचेंगे हम इस तरीके से, क्योंकि आप भी मतलब इसी तरीके से घर पे बैठे बैठे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं अभी, उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। कितना आसान है ये। ये है देखो, उसका हाथ जो आ गया। देखो इसी तरीके से आपको स्केच करना है, जैसे मैं अभी इसका डिटेल बनाऊंगा, इस तरीके से बनाना है डिटेल। जो बीच में है ये आप कर सकते हैं आप इस तरीके से। अब देखो मैंने लाइंस जो है अंगूठा का जो ये है, तो ये भी लाइंस में यहाँ इसी तरीके से डाल सकता हूँ, और फिर यहाँ ये वाला अंगूठा इस तरीके से, फिर ये, और इसी तरीके से मैं शेडिंग करके आपको दिखाऊंगा वो लाइन जो है, लाइन जो है पर्सपेक्टिव कैसे बनाएंगे हम वो भी दिखाने जा रहा हूँ अभी। ये अभी सपोज ये हो गया, मान के चलो अब मैं लाइन खींचेंगे। आप देखो मैंने लाइन खींचने जा रहा हूँ इसमें, जैसे इस तरीके से लाइन खींचेंगे हम। अब इसी को पर्सपेक्टिव में निकालना है। अब देखो मैंने ये लाइन जो बना दिए मतलब खींच दिए, तब फिर जाके मैंने जो इसका पर्सपेक्टिव दिखाना है, पर्सपेक्टिव कैसे दिखाएंगे वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। तरीके से पर्सपेक्टिव निकालना है। अब धीरे धीरे करना है इसी तरीके से,
सोच समझ के। तो इसी तरीके से है, जैसे देखो आप ये बन गया। अब फिर मैंने इसी को पेंसिल शेडिंग के द्वारा हम दिखाएंगे आपको कैसे बनेगा। जैसे आप, मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल करना है, जो मेरा नेल है इसको डिटेल करके आपको दिखाना है। फिर मैंने इसी तरीके से, मतलब जो है ये शेडो बनाना है, इसका जो शेड आएगा वो शेड बना के हम क्या है उसका पर्सपेक्टिव व्यू दिखाएंगे। इसी में पर्सपेक्टिव व्यू दिखाएंगे अभी। अब देखो इसका शेडिंग बनाएंगे हम, यहाँ से जाके शेडिंग इस तरीके से बनेगा। अब जाके ये डार्ट होंगे, तो मैंने ये दिखा रहा हूँ अभी, इस तरफ शेडिंग इस तरीके से यहाँ, तो जाके मेरा क्या होगा ये डिटेल करते जाएंगे तो फिर आप लगेंगे पर्सपेक्टिव व्यू में, अपने आप चलते जाएगा इस तरीके से। हम सेटिंग देके दिखाऊंगा, ये है मैंने पहले नीचे वाला सेटिंग डाल के दिखाया और फिर जाके मैंने ऊपर जो है अंगूठा में वो सेटिंग डालेंगे। देखो अभी सेटिंग किया है मैंने, सेटिंग कर रहा हूँ अभी, तो इसी तरीके से आपको भी सेटिंग करना है। जैसे ये इसका नस जो है वो निकालना है थोड़ा बहुत, और इसका गहराईपन दिखाना है हमें इस तरीके से। देखो मैंने ये किया है, तो फिर इसी को मैं क्या करेंगे, आप थोड़ा सा मर्ज कर देंगे जो लाइन से मेरा इसमें नस जो है ना उसमें दिखाई देंगे अभी इस तरीके से कहीं कहीं, और ये जो है ना इस तरीके से हम रेस कर सकते हैं। ये है देख, इसी तरीके से हम क्या है आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो जो अपने हाथ को ही मतलब दे के फिर बनाया मैंने, और फिर शेडिंग देखा मैंने, इसका पर्सपेक्टिव दिखाया है। देखिए इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब मैंने देखो एक हल्का सा मतलब टू कॉपी जैसा हो गया, जैसे एक हाथ को मतलब रख के मैंने ड्रॉ किया, उसी का शेडिंग किया। शेडिंग सबसे मेन शेडिंग देखना होता है, तब जाके ये ऐसा होता है।